आपने थंबनेल पर बिल्कुल सही देखा है कि टाटा स्काई को आप अपने मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको जाना है अपना मोबाइल के प्ले स्टोर में। जाने के बाद यहाँ पे आपको टाटा स्काई ऐप को इंस्टॉल कर लेना है आपके मोबाइल पर। करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होगा, टाटा स्काई ऐप में आपको क्लिक करना है। इसके लिए अब दो तीन शर्त मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो आपके पास टाटा स्काई कनेक्शन होना चाहिए, उसके बाद जो है आपका जो कस्टमर आईडी नंबर है या फिर मोबाइल नंबर आपको रखना पड़ेगा आपके पास, उसके लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। या फिर टाटा स्काई जो ऐप है वो जो टीवी में आपको दिखा रहा है वो आप मोबाइल में भी देख सकते हैं। या फिर मोबाइल में लिमिट टीवी में लिमिट होता है कि आप इस चैनल को देख सकते हैं जो जो आप रिचार्ज करेंगे, लेकिन मोबाइल में ऐसा कोई लिमिट नहीं है। आप अनलिमिटेड जितना चैनल आपका मर्जी हो आप देख सकते हैं, या फिर आप IPL भी देख सकते हैं। मैंने भी इस टाइम IPL देखा टाटा स्काई ऐप की मदद से। उसके बाद और एक कंडीशन है इसका, आप दो मोबाइल पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास टाटा स्काई नहीं है तो आप किसी आपका दोस्त या फ्रेंड रिलेशन किसी के पास टाटा स्काई है तो आप उनका नंबर लेके भी आप अपना मोबाइल पे टाटा स्काई आपको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। कोई दो एक टाटा स्काई कनेक्शन से कोई दो मोबाइल पर चला सकता है उस टाटा स्काई ऐप के ऐप को। यहाँ पे शुरू करने से पहले आपको यहाँ पे एक्सपर्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। यहाँ पे इंग्लिश में सिलेक्ट कर देता हूँ, सेट लैंग्वेज। उसके बाद आपको यहाँ पे स्किप कर देना है, स्किप माय टाटा स्काई। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा टाटा स्काई जो यूज़र डेमो दिखा रहा है आपको इस तरीके से दिखाएगा, उस पर टिक मार के क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे जो टाटा स्काई है आप उसको आपका जो टाटा स्काई आप उसको यहाँ से पूरा मैनेज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको किसी चैनल डीएक्टिव करना है या फिर एक्टिव करना है, कुछ भी कर सकते हैं आप, रिचार्ज कर सकते हैं इस ऐप की मदद से। यहाँ पे आपको सबसे पहले लॉगिन करना होगा। उसके बाद लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे लोकेशन यहाँ पे एलो कर देना है। उसके बाद टाटा स्काई आईडी नो थैंक्स मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। या फिर मोबाइल नंबर, यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद करने के बाद आपको टिक मार्क पे ऑप्शन पे क्लिक करना है। करने के बाद आपके मोबाइल पे एक OTP सेंड किया जाएगा, उसको आपको यहाँ पे मैन्युअली एंटर करना पड़ेगा। तो OTP आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे OTP आपको डालने के बाद यहाँ पे आपको टिक मार्क वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपका जो है अकाउंट जो है रजिस्टर हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन कौन लैंग्वेज में आपको देखना है, जैसे कि बांग्ला, भोजपुरी, असमिया यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, यू कैन सिलेक्ट टू डिफरेंट लैंग्वेज। आप सिर्फ दो ही लैंग्वेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ठीक है बंगाली और भोजपुरी सही है, भोजपुरी हटा देता हूँ मैं, हिंदी वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे इंग्लिश वाला भी हटा देता हूँ, उसके बाद हिंदी सिलेक्ट कर लेता हूँ, हिंदी और बंगाली। तो यहाँ पे डाउन वाला ऑप्शन पे मैं क्लिक करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ बंगाली और हिंदी देख सकते हैं, आपको सब कुछ देख सकते हैं, सिर्फ आपको लैंग्वेज सिलेक्ट करने के लिए दो ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके यहाँ पे टाटा स्काई जो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएगा, ये सभी दिखा रहा है आपको कि किस साइड में क्या है। तो मैं यहाँ पे एक बार बैक कर देता हूँ। करने के बाद यहाँ पे आपको जो माई बॉक्स में दिख रहा होगा आपको इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन सा चैनल आप देख सकते हैं या फिर कौन कौन सा चैनल आप एक्टिव कर सकते हैं। यहाँ पे आप कुछ डेमो ले सकते हैं। उसके बाद होम वाला ऑप्शन में मैं क्लिक करता हूँ। करने के बाद ऊपर में प्रोफाइल वाला आइकन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं आप टाटा स्काई में कितना बैलेंस है। यहाँ पे आप जो माई टाटा स्काई पैक से यहाँ पे रिकमेंडेड पैक में क्लिक हो गया, मैं बैक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करने के बाद माई टाटा स्काई में क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो मैनेज पैक में क्लिक करके आपका कितना चैनल यहाँ से आप एक्टिव डीएक्टिव कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे किसी भी चैनल ले सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं, या आपका मर्जी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ आप किस तरीके से देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे किसी भी चैनल को आप देख सकते हैं। इस ऐप के मतलब यही है, फ़ायदा ये है कि आप टीवी में जो चैनल आपका एक्टिव है वो नहीं, आप सब कुछ देख सकती है इस ऐप के अंदर से। मतलब जो पेड नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे कुछ फिल्म रेंट पे लिखा हुआ है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 120 रुपीज़ दिखा रहा है, इसको छोड़ के अब बाकी जितना भी चैनल है सब कुछ देख सकते हैं। जैसे कि ये सीरियल देखना है आपको, आपका टीवी में वो अवेलेबल नहीं है, आपको रिचार्ज नहीं किया है, लेकिन इस ऐप से आप उसको आसानी से यूज़ देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो बैक कर देता हूँ। आप इस तरह से अपना यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं किसी भी चैनल के बारे में। या फिर अब यहाँ पे माइक का ऑप्शन दिया है आपको, इस पर क्लिक करके भी आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी चैनल स्पोर्ट देख सकते हैं, मैं इसको भी बैक कर देता हूँ। उसके बाद मान लीजिए आपको जी न्यूज़ देखना है, इस तरीके से आप क्लिक करेंगे। करने के बाद आपके सामने जी न्यूज़ चला आएगा, आपको इस पर क्लिक करके आप यहाँ पे जी न्यूज़ देख सकते हैं। सी ऑल पे क्लिक कर इसके बाद नीचे आप देख सकते हैं आप उसका चैनल का जो चल रहा है या फिर वीडियो सभी आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टोर भी रहता है वीडियो, पुराना वाला वीडियो भी स्टोर रहता है जो जो ऑलरेडी टीवी में दिखा चुका है। जैसे कि सीरियल का कोई पार्ट होता है वो भी सीरियल छोटा छोटा यहाँ पे रहता है, तो आप इसको भी देख सकते हैं, आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारा फायदा है इस ऐप का, तो आप भी इसको यूज़ कीजिए। बिना लॉगिन किए भी आप कुछ बहुत सारा कुछ देख सकते हैं, आप उसको यूज़ भी कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू so much।